गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइडेड बाई एम डी एन पब्लिक स्कूल क्लायत टूडे डिस्कस इन गोपुरम और ए मंडप यू आर नो वेरी वेल दिस लेसन इज बींग स्टार्ट एन एम्पेरियल ऑफ द कैपिटल ऑफ विजयनगर दिस अ टॉपिक होता गोपुरम गोपुरम और मंडप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गोरपुरम का अर्थ पता होना चाहिए गोपुरम का अर्थ होता है बेटा मंदिर का प्रवेश द्वार अर्थात मंदिर का प्रवेश द्वार जिसको हम बहुत ज्यादा दूरी से भी देख सकते हैं गोपुरम गो गो मैंने जाना मंदिर के अंदर अब समझे मंदिर का प्रवेश द्वार गोपुरम किसको क्या गया मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम या राजकीय प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता है गोपुरम किसी भी मंदिर एवं शहर की पहचान थे क्यों थे क्योंकि इन्हें कई मील से भी देखा जा सकता था बेटा अब समझे गोपुरम क्या है मंदिर का प्रवेश द्वार और इसको राज्य के प्रवेश द्वार भी कहा जाता है क्योंकि यह उन मंदिरों की पहचान था जिनको कई मीलों दूर से भी देखा जाता था और शासक क्या करते थे सबसे अधिक खर्च भी इसी पर करते थे अब दूसरा क्या है बेटा मंडप क्या है मंडप मंडप क्या है मंदिरों मंदिरों के अंदर भिन्न भिन्न तरह के मंडप होते हैं मंदिरों के अंदर भिन्न भिन्न तरह के मंडप देखे आपने जिनकी पहचान उत्सव व अनुष्ठान के आधार पर ही की जाती थी उनकी पहचान क्या होती कोई भी उत्सव बनाना हो या कुछ अनुष्ठान करना हो के आधार पर ही की जाती थी क्यों जो कभी भी कोई भी सभागार या शादी का उत्सव होता था तो वो क्या होता था मंडप में होता था क्यों मंडप के सभागार में होती हैं कोई ताजपोशी है या शादी है उत्सव का मंडप कहाँ होगा बड़े सभागार में होगा सभागार क्या है बड़ी सभा में जो लोग बैठे होंगे वो सारे जिसमें समाज के कार्यक्रम और सामान्य अवसरों की परंपराएं भी शामिल होगी उसी को कहा गया है मंडप और कुछ मंडप कैसे होते हैं बेटा कुछ मंडप धार्मिक केंद्र के भी के बाह्य क्षेत्र में भी होते हैं होती जैसे कि आपको पता है गोपुरम भी पता लग गया मंडप भी अब स्टार्ट करते हैं गोपुरम का बेटा मंदिर का प्रवेश द्वार वेरी गुड गोपुरम और मंडप मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में इस समय तक कई नए तत्व प्रकाश में आते हैं जब मंदिर स्थापत्य का संदर्भ आया तो इस समय कई तत्व सामने आए इनमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं जो राजकीय सत्ता की गोतक थी और शामिल भी है उसने क्या कहा जो विशाल विशाल स्तर पर कई संरचनाएं बनाई गई वो राज्य के सत्ता की गोतक भी थी इसका सबसे अच्छा उदाहरण राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार है इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है बेटा गोपुरम राजकीय प्रवेश द्वार गोपुरम का अर्थ क्या है बताया था बेटा वेरी गुड जो अक्सर केंद्रीय दिवालय की मीनारों को बोना प्रतीत कराते थे और जो लंबी दूरी लंबी दूरी से ही मंदिर होने का संकेत देते हैं मैंने आपको बताया है। जैसे कि जो ये काफी जो गोपुरम क्या है मंदिर का प्रवेश द्वार जो लंबी दूरी तक होने का भी संकेत देते थे ये सम्भवतः शासकों की ताकत के याद भी दिलाते थे क्यों दिलाते थे कि ये इस शासक ने बनाया है ये इस शासक ने बनाया है इसलिए इसकी याद भी दिलाते हैं बेटा जो इतनी ऊंची मीनारों के निर्माण के लिए आवश्यक साधन तकनीक या कौशल जुटाने में सक्षम थे अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियार जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देवस्थलों के चारों ओर बने होते थे जैसा कि आप देख भी रहे हैं ऊंचे ऊंचे मंदिर के चारों गलियार भी बना दिए जाते हैं सम्मिलित है अब हम दो मंदिरों की ओर सूक्ष्मता से देखते हैं एक है विरूपाक्ष मंदिर और दूसरा है विठल स्वामी का मंदिर हमने पढ़ा है विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था क्या है बेटा विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ क्योंकि क्योंकि इसके जो अभिलेख हैं उससे हमें पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर कि सबसे प्राचीन मंदिर नवी और दसवीं शताब्दियों का था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया था जब विजयनगर की स्थापना की गई इसके बाद उसको बहुत बड़ा किया गया क्वेश्चन पूछता हूं बहुत दिनों के लैसन चला विजयनगर स्थापना किसने की थी बेटा एनी स्टूडेंट्स कोई है वाला नो no? बेटा आप सीरियस नहीं है क्लास में हर हर और बुककाराई दोनों भाइयों में बहुत बार मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूं आप लोग सीरियस नहीं है इसका मतलब क्लास में विपाक्ष मंदिर कई शताब्दियों से था जो इस सबसे प्राचीन मंदिर नवी दसवीं शताब्दियों था, था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्ण राय ने अपने राज्य द्रोहन के उपलक्ष्य में बनवाया इसको अंडरलाइन कर लें जो मुख्य मंदिर के सामने बना एक मंडप मंदिर था मंडप वो कृष्ण राय ने राज्याद्रोहन के लिए रोहन के उपलक्ष्य में बनवाया था इसे सूक्ष्मता से उत्कर्ण स्तंभों से सजाया गया था पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है जो पूर्वी गोपुरम का निर्माण का श्रेय है वो भी उसी को दिया जाता है इन परिवर्तनों का अर्थ था कि केंद्रीय देवालय पूरे परिसर के एक छोटे बाग तक ही सीमित रह गया मंदिर के सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता था इनमें से कुछ ऐसे थे जिसमें देवताओं की मूर्ति जिसमें देवताओं की मूर्ति संगीत नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रम को देखने के लिए रखी जाती थी उसने क्या कहा बेटा इनमें कुछ देवताओं की मूर्तियाँ ऐसी थी जो संगीत नृत्य नाटकों के विशेष कार्यक्रम को देखने के लिए रखी जाती थी अन्य सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने और कुछ अन्य प्रयोग देवी देवताओं का झूला जुला झुलाने के लिए होता था इन अवसरों पर विशिष्ट मूर्तियों का प्रयोग होता था जो छोटे केंद्रीय दिवालियों में स्थापित मूर्तियों से भी भिन्न होती थी अर्थात उनसे अलग होती थी दूसरा देवस्थल बिट्ठल मंदिर भी रोचक है यहाँ के प्रमुख देवता बिट्ठल थे जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप में विष्णु के एक रूप हैं इस देवता की पूजा को कर्नाटक में आरंभ करना उन माध्यमों का गोतक है जिनसे एक साम्राज्यिक संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर के शासकों ने अलग अलग परंपराओं का आत्मसात किया अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी कई सभागार तथा रथ के आकार के एक अनूठा मंदिर भी है उसने क्या कहा बेटा इस मंदिर में इस पर सभागार में भी उस के का एक अनूठा मंदिर भी है मंदिर परिसरों की एक विशेषता रथ गलियां हैं जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती है इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया हो इसका अंडरलाइन कर ले से विद्यार्थी कि जो इन गलियों का फर्श है किससे बनाया गया है पत्थर के टुकड़ों से इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे जिस प्रकार नायकों ने किलेबंदी की परंपरा को जारी रखा कहते हैं जिस प्रकार नायक था उन्होंने किलेबंदी की परंपरा को जारी रखा तथा और अधिक व्यापक बनाया ठीक वैसा ही उन्होंने मंदिर निर्माण की परंपरा के संदर्भ में भी किया यहाँ तक कि कुछ सबसे दर्शनीय गोपुरम का निर्माण भी स्थानीय नायकों द्वारा ही किया गया था जैसे कि आपने पढ़ा है ये लेसन चला हुआ है एन एम्पेरियल ऑफ द कैपिटल ऑफ विजयनगर बेटा ये हमने पढ़ा है आज गोपुरम और मंडप के बारे में मैं भी ये सोचता हूँ कि आपको अच्छे समझ भी आ गया होगा क्यों जो आपकी एन सी आर टी की बुक्स है सारे ही साहबी क्वेश्चन बुक से ही आते हैं बेटा आप इसको अच्छे से पढ़ें रीड भी करें थैंक यू हैव ए गुड डे आपका दिन शुभ हो और सभी विद्यार्थी ध्यान रखें जो आपके फ्रेंड्स हैं प्लस टू क्लास में हैं या टेंथ क्लास में एच बी एस सी में हैं उनको सभी को बताएं कि आपका बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे कि वो अपनी पढ़ाई में लग जाएं ऐसा ना हो कि वो पढ़ाई के टच में ना हो तो सभी विद्यार्थी पढ़ाई करते रहें और पढ़ाई के टच में रहें एक अपना अच्छा सा रिजल्ट भी प्राप्त करें क्यों टेंथ क्लास का भी एक साइंस का पेपर एग्ज़ाम होगा जो पहले नहीं रखा गया था लेकिन अब क्लियर हो चुका है बेटा तो अपने नियर डियर फ्रेंड्स जो भी अपने गांव से रिलेटेड हैं बताएं किसी के फ्यूचर का है ये ना समझे कि हम किसी को ना बताएं सबको बताएं बेटा थैंक यू आप हैव ए गुड डे